तो यहाँ पे देखो एक जनरेटर है उसका यहाँ पे हमें गिवन है ओके, तो किससे लोड से तो यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस है वो गिवन है हम लोगों को फोर थाउजेंड ओम तो हमसे पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस दी लोड क्या होगा क्या पूछा है यहाँ पे कि वोल्टेज अक्रॉस दी लोड, लोड ओके, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बी क्या होगा ये कैलकुलेट करना है तो यहां पे देखो रेजिस्टेंस हमें इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस ओके सो टोटल रेजिस्टेंस यहां से हमारा क्या आ जाएगा आर टी इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस तो आर फोर हंड्रेड रजिस्टेंस रेजिस्टेंस 4000 तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी इज इग्वल टू तो, फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ऑम ओके ये आ जाता है टोटल तो रेजिस्टेंस हमारा ओके तो अब हमें यहाँ पे क्या पता है ई पता है तो करंट हम निकाल सकते हैं ओके करंट आई इजल तो, टू टोटल रेजिस्टेंस ओके आई इज इग्वल टू तो, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे पता है तो ओम स्लो से हम करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब कि में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टोटल कितना फोर हंड्रेड फोर्टी वोल्ट अपोन में टोटल रेजिस्टेंस फोर फोर डबल जीरो ओके तो आप यहाँ पे देखो इसको अगर हम फर्दर अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू आती है पॉइंट वन एमपियर ओके तो हमारा करंट की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे पॉइंट वन एमपियर ओके नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था कि वोल्टेज अक्रॉस द लोड क्या होगा तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस द लोडल टू आई इन टू आर एल ओके तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लेंगे सो वी एल इजिकल टू करंट हमें पता चल गया पॉइंट वन और लोड रेजिस्टेंस हमारा कितना था फोर थाउजेंड ओके तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज फोर हंड्रेड वोल्ट के इक्वल। ओके, okay, तो यही देखो हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में आप देखते हैं अपना ऑप्शन 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 हमारा हमारा कौन सा करेक्ट करेक्ट होगा? तो तो एंड वोल्ट। से हमारा जो 4 है, फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करो पर